सरकार की आरटीई योजना और प्रतापगढ़ शहर के अभिभावक, इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ सामंजस्य की कमी होने के चलते प्रतापगढ़ शहर के अभिभावक परेशान हैं। और चूंकि खबर अपने आप में बड़ी है, इसलिए हम शहर के गांधी चौराहे पर हैं। यहां पर अभिभावकों का कहना है कि प्रतापगढ़ शहर के एक निजी विद्यालय में इस तरह का साइन बोर्ड चस्पा किया गया है कि यदि आपको अपने बच्चे का आरटीई में एडमिशन करवाना है, आरटीई को मैं ज़्यादा समझाता हूँ आपको, राइट टू एजुकेशन, तो आपको एक अनुबंध करना होगा कि यदि बच्चे की फीस सरकार पुनर्भरण करती है तो ही वो पैसा स्कूल पे करेगा। इन द सेंस के स्कूल का कहना है कि जो बच्चा आरटीई में एडमिशन ले रहा है उसकी जो फीस है, तो उसके अभिभावक उसका वो चेक वहाँ के स्कूल प्रबंधन को दे। इसको लेकर बाकायदा स्कूल प्रबंधन ने एक नोटिस भी चस्पा किया है। प्रतापगढ़ शहर के कुछ अभिभावक हमारे पास पहुँचे हैं, हालांकि हम इसकी अभी तथ्य जुटा रहे हैं कि वास्तविकता में क्या सच है और क्या झूठ है, नियम क्या कहते हैं। परंतु फिलहाल चूंकि मामला बड़ा है, मामला सरकार से जुड़ा है, मामला स्कूल के निजी प्रबंधन से जुड़ा है और स्कूल संचालकों की व्यथा अपनी जगह है, परंतु अगर यदि कहीं सरकार सुविधा दे रही है तो अभिभावक भ्रमित हो रहे हैं और अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चे का एडमिशन फ्री में हो, और इधर स्कूल प्रबंधन चाहता है कि उनके बच्चे का एडमिशन तो वो करेंगे परंतु जो राशि है उस राशि का चेक उनको दिया जाए, और जब वो पैसा सरकार उनके खाते में डाल देगी तो वो पैसा पुनः अभिभावकों के खाते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। मामला शहर के नीमच रोड स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल का है, जहां पर बाकायदा इसका एक बोर्ड चस्पा किया गया है और कुछ अभिभावक कांठल की आवाज़ कार्यालय पर पहुंचे हैं, जिनकी पीड़ा को इस खबर के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। अब देखना यह है कि स्कूल प्रबंधन अपने जो पैसा रुका हुआ रहता है उसकी वजह से ये कर रहा है या सरकार ने ऐसे नए नियम जारी कर रहे हैं, फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते। परंतु जल्द ही इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर जनता के सामने आएगी, जिसमें खुलासा किया जाएगा कि क्या कुछ सही है, क्या नियम है, अभिभावक सही है, स्कूल सही है, या जनता सही है, या सरकार जो अपने क्रियाकलाप जनता के सामने लाना चाह रही है उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। और इस पूरे मामले में आपको ये और बताना चाहेंगे कि स्कूल प्रबंधन ने जो नोटिस बोर्ड चस्पा किया है उसके ऊपर बाकायदा लिखा है कि आप इसको लेकर मीडिया में इसको चर्चा का विषय ला सकते हैं, तो अभिभावकों से ये कहा गया है कि आप इस विषय को मीडिया में लाएं। तो हम जनता की तरफ से हम स्कूल प्रबंधन को भी इस पक्ष में दोषी नहीं मानते हुए हम ये खबर जनता के सामने ला रहे हैं कि यदि स्कूल प्रबंधन सही है तो स्कूल प्रबंधन की सुनी जाए, अभिभावक सही है तो अभिभावकों की सुनी जाए, और यदि सरकार अपने निर्णय और अपने फैसलों को सही तरह से लागू नहीं कर पा रही है तो उनको कहीं ना कहीं सही तरह से अमली जमा पहनाया जाए। मामला ये चल रहा है कि आरटी के जो एडमिशन होते हैं उनमें स्कूलों को वापस फीस नहीं मिल पाती है। इसको लेकर पिछले साल भी स्कूल प्रबंधन ने यहाँ पर आंदोलन किए थे। अब मामला लंबे समय से चल रहा है, परंतु अभिभावक भी परेशान है और खबर जनता के सामने। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज़, प्रतापगढ़।